ये ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है, आप भी सुन चुके होंगे कि 20 सीन्स को जो है काट दिया गया OMG 2 से और ए सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सेंसर बोर्ड के द्वारा है। लेकिन हमने सुना था ये भक्त और भगवान के बीच की कहानी, इसमें कहाँ से एडल्ट वाला सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसको क्यों से काटा जा रहा है। तो मैंने पहले टीजर रिव्यू में इसके बाद भी एक वीडियो बना के आपको बताया था, ये एक बहुत अलग लेवल का प्रोपेगेंडा होने वाला है जिसको भगवान शिव आपको आगे ला के जो है दिखाया जाएगा, हिंदुइज्म को फिर से टारगेट किया जा रहा है। जबकि हम बार बार इस पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं इस पर, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरह से जो है प्रोपेगेंडा को लोग दिखा रहे हैं। इसीलिए आप सोचिए, एक भक्त और भगवान के सिंपल से कहानी में 20 सीन्स को क्यों काटे जाएंगे, 20 सीन्स कट फ्रॉम द OMG 2 मूवी। तो सोचिए इसमें 20 सीन्स को क्यों काटा जाएगा सेंसर बोर्ड के द्वारा। और ये तो कुछ न्यूज़ नहीं है, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट तक दिया रहा है और ये तक कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार का जो भगवान शंकर का रोल, उसको आप कट करो। सेंसर बोर्ड ने चेतावनी दी फिल्म के मेकर्स को कि आप जो अक्षय कुमार का जो सीन है जिसमें उन्हें शंकर भगवान दिखाया जा रहा है, जो उन्हें ब्लू लाइटनिंग दी गई है, ब्लू टोन दिया गया है, उसको आप चेंज करो, उन्हें द मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह दिखाओ। मतलब अब्राहमिक रिलीजन में जो होता है कि भगवान स्वयं नहीं आते, अपने मैसेंजर को भेजते, उस प्रकार से जो है उन्हें दिखाओ कहा जा रहा है। अक्षय कुमार का डायरेक्ट शंकर भगवान के रूप में मत दिखाओ, क्योंकि आप सोचो कितना प्रोपेगेंडा हो सकता है कि भाई रिलीज से पहले आपके जो है 20 सीन्स कट किए जा रहे हैं सेंसर बोर्ड के द्वारा, उसके बाद भी जो है इसमें कहा जा रहा है कि ए सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार को जो महादेव के रूप में जो लिया गया है उसको आप चेंज करो, इसमें जो है आप उनको मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह दिखाओ, मतलब उन्हें भगवान की तरह डायरेक्ट अपमान दिखाओ। तो सोचो इसमें कितना घटिया तरह से दिखाया गया होगा कि सोचो रिलीज से पहले इतना बवाल हो रहा है। और लोग इसके लिए एक्साइटेड थे कि सनातन के बारे में कौन मूवी आ रहा है, बॉलीवुड से आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। और यहाँ तक मैंने सुना है, मैंने सिर्फ सुना है, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मेरे सुनने में आ रहा है कि हम मास्टरबेशन को जो है फिर से जो है अच्छा करते हुए जो दिखाएंगे, मतलब क्या है जो हाथ पकड़ के ले जाते हो दिखाए भगवान शिव का, क्या वो बच्चे को बोलेगा कि जाओ आप मास्टरबेशन करो। जबकि भगवान शिव के अगर चरित्र को आप पढ़ोगे, भगवान शिव के जो जितने भी उनके उपदेश है, जिनके उनके महत्व है, उनको आप पढ़ोगे पुराणों में जाके, कथाओं में जाके, तो आप इतना जाओगे कि सबसे बड़े आदि योगी क्यों कहते हैं भगवान शिव को। इसीलिए आदि योगी कहते हैं कि उन्हें पता है कि एक पंच तत्व से मिले हुए शरीर का जो है प्रयोग किस तरह से किया जाता है, उसका संतुलन किस प्रकार से बनाया जाता है, वो कामदेव को जितने वाले महादेव है वो आपको जो है मास्टरबेशन करके दिखाएंगे। यही आपका स्टोरी होने वाला है। फिल्म को टीजर से ही, फिल्म को पोस्टर से ही किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। पंकज त्रिपाठी एक भक्त है जो कि आस्तिक है, अक्षय कुमार महादेव है जो कि भक्त की रक्षा के लिए उनकी सहायता के लिए आते हैं, ऐसे प्रमोट किया जा रहा है ना। लेकिन LGBTQ एजेंडा इसमें क्यों घुसाया गया है, आप कौन सा लिबरेशन दिखा रहे हो इसमें, आप एडल्टहुड को दिखा रहे हो। वही जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि हमें बायोलॉजी पढ़ना है, हम स्कूल जाकर पढ़ सकते हैं, ये कौन से लेवल की आप लिबरेशन दे रहे हो जिसको जो है हमें इस मूवी के थ्रू देखना पड़ेगा। वही बात है कि बॉलीवुड अपना प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं चिपका ही देता है, उसमें भी सनातन को टारगेट किया जाता है, इन दूसरे रिलीजन को, दूसरे जो है उनको जो है ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनको 20 सीन्स को काटा गया है। भाई सोचो 20 सीन्स को काटा गया तो सीन्स में होंगे क्या, कितने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, कितने डिप्रेसिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके लिए उन्हें काटा गया है। OMG 2 एक फैमिली फ्रेंडली फिल्म थी, OMG 1 उसको जो है आप ए सर्टिफिकेट दे रहे हो, यू अगर इसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए उसको आप ए सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो सोचो इसमें कितना घटिया तरीके से दिखाया होगा, कितना डिप्रेसिंग तरीके से, कितना प्रॉब्लमेटिक तरीके से हमें सनातन को दिखाया होगा, किस तरह से उन्होंने इस मूवी को प्रेजेंट किया होगा। और लोग कहते हैं कि OMG 2 क्या है, सिंपल मूवी तो होने वाली है, तो देखते हैं। लभी देखो ये सामने आ रहा है कि 11 अगस्त को जो रिलीज होने वाला था वो भी इसमें रुकावट आ सकती है, इसको भी जो रोका जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी छानबीन चल रही है। यहाँ तक कि वही फिल्म वालों को कह भी दिया गया कि अक्षय कुमार का जो रोल है महादेव को उसको काट दो, उसको चेंज करके द मैसेंजर ऑफ गॉड कर दो। सोचो अब्राहमिक रिलीजन का जो नीति है, जो उनका जो है मान्यता है, उसको जो सनातन पर थोपा जा रहा है, हमारे यहाँ कोई मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं होता, यहाँ तो डायरेक्ट भगवान ही भक्त की मदद कर लिया आते हैं। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से चेंज करते हैं, क्योंकि ये मूवी कहीं से भी नहीं चलने वाली है, बात तो लिख के ले लो, कितना भी चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, आदिपुरुष जैसा हाल होने वाला है। जैसे कि आदिपुरुष का टीजर ने पहले बता दिया था, उसी प्रकार से इसके जो पहले सेंसर सर्टिफिकेशन है उसने बता दिया है कि इसको जो है किस प्रकार से इसके 20 सीन्स को काटे गए हैं, किस प्रकार से इसको ए का सर्टिफिकेट गया, और किस तरह से जो है अक्षय कुमार के रोल को लेकर जो है सेंसर बोर्ड ने इनको जो है आगाह किया है कि आप उसको चेंज करके महादेव रोल के बजाय कुछ और करो। तो सोचो इसमें कितना प्रॉब्लमेटिक थिंग रहा होगा। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कौन सी बताइएगा।